हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने डल से दिखने वाले डाइनिंग टेबल को हम किस तरह से बहुत ही सुंदर बना सकते हैं, उसके ऊपर ऐसे कौन कौन से डेकोरेटिव पीसेस हैं जो हम रख सकते हैं, और उनको रखने के बाद कैसे आपका ये डाइनिंग टेबल एकदम से नया जैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं जिनको हम डाइनिंग टेबल के ऊपर एज अ डेकोर आइटम यूज कर सकते हैं, तो ये सब देखने से पहले एक काम जरूर कीजिएगा कि आप ये मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट कि आपको नए नए डीआईवाई नए नए डेकोर आइडियाज मिलते रहे। और यहाँ पर हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले ये जो डाइनिंग टेबल है, इसकी डेकोरेशन करने से पहले आप ये बात का ध्यान रखिए कि क्या इस डाइनिंग टेबल के ऊपर कोई डस्ट तो नहीं है। यहाँ पर मैंने इस डाइनिंग टेबल को पहले से ही साफ करवा के रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर बिल्कुल भी अभी डस्ट नहीं है। तो हम इसके ऊपर डेकोर आइटम्स को रखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं डेकोर आइटम इसके ऊपर रखने वाली हूँ वो है ये डाइनिंग टेबल रनर। ये डाइनिंग टेबल रनर आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। ये डाइनिंग टेबल रनर मोस्टली उन दुकानों पे मिलते हैं जहां पर आपको बेडशीट, सोफा कवर्स, पिलो कवर्स ये सब कुछ मिलता है। तो आप हैंडलूम की किसी भी दुकान पर जाकर अगर आप पूछते हैं कि आपको एक डाइनिंग टेबल रनर चाहिए तो वो आपको ये दिखा देंगे। और साथ ही साथ इस डाइनिंग टेबल रनर को मैंने लिया था 700 रुपीज में। आप चाहें तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी डाइनिंग टेबल रनर ले सकते हैं। और इस डाइनिंग टेबल रनर पर देखिए बहुत ही प्यारा एम्ब्रॉयडरी काम किया हुआ हुआ है। ये टिश्यू का डाइनिंग टेबल रनर है और साथ ही साथ इसके ऊपर साइड में लेसिंग भी दी हुई है। तो ये मुझे बहुत ही प्रीटी, बहुत ही क्यूट लगा था डाइनिंग टेबल रनर, तो मैंने इसको परचेज किया था। आप अपनी पसंद के साथ कोई सा भी डाइनिंग टेबल रनर ले सकते हैं। मैंने शॉप में पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया था कि डाइनिंग टेबल रनर्स आपके पास 300 से लेकर 2500 तक के डाइनिंग टेबल रनर्स उनके पास हैं, पर लेकिन मुझे ये 700 का डाइनिंग टेबल रनर ही पसंद आया तो मैंने इसको ले लिया। अब देखिए, इस डाइनिंग टेबल रनर को आप अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर अलोंग द लेंथ बिछाएंगे। देखिए कैसे, ये लीजिए, ये मैंने डाइनिंग टेबल रनर अब इसके ऊपर बिछा दिया है। अब इसको बिछाने के बाद आप इस डाइनिंग टेबल के ऊपर कुछ मैट्स रखेंगे। वो मैट्स कौन सी हैं वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये मैट्स मार्केट में डाइनिंग टेबल मैट्स के नाम से मिलती हैं और या फूड मैट के नाम से मिलती हैं। ये पेयर ऑफ 4 में भी मिल सकती हैं और पेयर ऑफ 6 में भी मिल सकती हैं। मेरे पास 6 चेयर वाला डाइनिंग टेबल है, 6 सीटर डाइनिंग टेबल है, तो मैंने 6 सीटर डाइनिंग टेबल के हिसाब से 6 पेयर की। ये जो मेरे डाइनिंग टेबल मैट्स हैं जिनको मैं अब इस डाइनिंग टेबल के ऊपर रखूंगी, ये डाइनिंग टेबल मैट्स मेरी नेचुरल मटेरियल बैम्बू से बनी हुई हैं। मार्केट में और भी डाइनिंग टेबल मैट्स अवेलेबल हैं जो कि आपकी प्लास्टिक की बनी होती है या किसी और फाइबर से बनी होती है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि उन किसी और फाइबर के बने होते हैं। पर लेकिन उन प्लास्टिक की या फाइबर से बनी हुई डाइनिंग टेबल मैट्स के ऊपर अगर आप गर्म खाना रखते हो तो वो मैट्स खराब हो जाती हैं। ये मेरे नेचुरल मटेरियल की मैट्स हैं जो कि बैम्बू से बनी हुई हैं और ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही एलिगेंट लुक की मैट्स हैं। और साथ ही साथ इन मैट्स का जो प्राइस मुझे पड़ा है वो है 1200 की मुझे 6 मैट्स मिली है। प्लास्टिक मैट्स अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, पर मैं उनको प्रेफर नहीं करूंगी, वो इससे बहुत चीप होती है। अगर ये मुझे 1200 में मिली है, प्लास्टिक मैट्स जो होती है वो 300-400 में मिल जाती है, पर लेकिन मेरी प्रायोरिटी ये बैम्बू मैट्स रही हैं, तो ये मैट्स को मैं अपने डाइनिंग टेबल पर सेंटर में रखूंगी। बहुत सारे लोग इन डाइनिंग टेबल मैट्स को अपने डाइनिंग टेबल पर एज सच 1 2 3 4 5 6 करके रखना चाहते हैं, पर मैं वैसा कभी भी प्रेफर नहीं करती क्योंकि उससे आपका डाइनिंग टेबल बहुत ही मैसी लुक में देता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बेटर है आप अपने डाइनिंग टेबल मैट्स को सेंटर में रखिए, इनसे आपका पूरा का पूरा डाइनिंग टेबल जो है बिल्कुल ही क्लीन दिखाई देगा। इनको स्टैक करके आप अपने सेंटर में रख सकते हैं। जब भी खाना खाना हो एक डाइनिंग टेबल मैट उठाइए और उसको अपने चेयर पर ऐसे रखिए और खाना खा सकते हैं। अब इस डाइनिंग टेबल के ऊपर मैं एक बॉल रखूंगी। ये देखिए, ये क्रिस्टल बॉल है जो मैंने मार्केट में बहुत अच्छे डील में मुझे मिल गया था। मैंने दिवाली के आसपास खरीदा था और ये मुझे 500 में मिला था, पर मार्केट में मैंने इसका प्राइस पता किया तो ये कहीं कहीं मुझे 900 और 1000 तक में भी मिल रहा था, लेकिन मुझे अपनी बेस्ट डील में 500 में मिला। इस बोल को मैं डाइनिंग टेबल पर यहां रख दूंगी।
आप चाहे तो अपने डाइनिंग टेबल पर इस बॉल के अंदर थोड़ा सा पानी भरकर और उसके ऊपर फ्लोटिंग फ्लास्क भी रख सकते हैं। अगर आपके पास है तो, फिलहाल मेरे पास फ्लोटिंग फ्लास्क नहीं है तो मैंने इस बॉल को खाली रखा हुआ है। इसके अंदर जस्ट कुछ पेबल्स रखे हुए हैं मैंने, पर लेकिन अच्छा होगा अगर आपके पास फ्लोटिंग फ्लास्क है तो आप इसमें पानी भरकर इसके ऊपर फ्लोटिंग फ्लास्क भी रख सकते हैं। नेक्स्ट इस डाइनिंग टेबल के ऊपर जो सबसे जरूरी चीज है वो है ये डिस्पेंसर, सॉल्ट एंड पेपर डिस्पेंसर। ये सॉल्ट एंड पेपर डिस्पेंसर मैंने 500 के 2 पीसेस लिए थे। आपको मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट रेट और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में मिलते हैं, पर लेकिन मुझे ये वाले पसंद आए। ये ग्लास के बने हुए हैं और ये इसमें सॉल्ट और पेपर भरा हुआ है, तो ये डाइनिंग टेबल के ऊपर मस्ट है। आप अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर सॉल्ट एंड पेपर डिस्पेंसर जरूर रखिए। अभी तक इस डाइनिंग टेबल के ऊपर मैंने डाइनिंग टेबल रनर रख दिया है, एक बॉल रख दिया है, अपनी मैट्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो रखती हैं, पर लेकिन इस डाइनिंग टेबल का लुक कंप्लीट करने के लिए, इस डाइनिंग टेबल को और फ्रेशनेस देने के लिए किस चीज की जरूरत है वो है कुछ फ्लावर्स की। तो इस डाइनिंग टेबल के ऊपर मैं कुछ फ्लावर्स रखूंगी। ये देखिए, ये मेरे पास एक वास में मैंने पिंक कलर के फ्लावर्स रखे हुए हैं। ये पिंक कलर के फ्लावर्स मैंने अपने डाइनिंग टेबल से मैच करते हुए लिए थे। मेरे डाइनिंग टेबल के ऊपर पिंक शेड्स हैं और इसके लिए मैंने यहाँ पर पिंक फ्लावर्स लिए हैं। आप अपने डाइनिंग टेबल से मैच करते हुए कोई भी फ्लावर्स रख सकते हैं, पर लेकिन फ्लावर्स रखना ना रखना भी आप ही की चॉइस है। मुझे डाइनिंग टेबल पर कुछ फ्रेशनेस अच्छी लगती है तो उनके लिए मैंने इसमें फ्लावर्स को ऐड किया है। ये मेरे जो फ्लावर्स हैं, एज यू कैन सी, ये फ्लावर्स मेरे आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ ओरिजिनल फ्लावर्स भी रख सकते हैं, बस ओरिजिनल फ्लावर्स थोड़ी केयर ज्यादा मांगते हैं। ओरिजिनल फ्लावर्स को आपको पानी में रखना पड़ता है, साथ ही साथ वो सिर्फ 5 to 7 डेज ही चलते हैं। और पर लेकिन ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स है इनको आप वॉश कर दोबारा से रख सकते हैं और ये कभी भी खराब नहीं होंगे आपके। इनको यहाँ बिल्कुल सेंटर पे मत रखिएगा, क्योंकि जब भी मैट लेनी होगी तब भी आपको ये हमेशा उठाना पड़ेगा, तो इसलिए बेटर है आप इसको यहाँ सामने रख दीजिए और अपने मैट्स को फ्री रखिए, किसी को भी लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और साथ ही साथ इस पर जो एक और चीज है वो है कटलरी। तो कटलरी स्टैंड एक मस्ट है, जिसमें आपके पास सारी तरह के आपके फोक और स्पून पड़े हो तो ये कटलरी स्टैंड में यहाँ रख देते हैं। तो इस तरह से मेरा डाइनिंग टेबल का लुक कंप्लीट होता है, आप देख सकते हैं। पर लेकिन एक चीज जो आपने गौर की होगी वो ये है, इस डाइनिंग टेबल की चेयर के ये कवर्स, ये चेयर कवर्स मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगवाए थे। मैंने मार्केट में पता कि ये मुझे मिले नहीं, अगर आपको अपने आसपास की मार्केट में ये कवर्स मिल सकते हैं तो आप अपनी मार्केट से लीजिएगा, पर मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। अगर आपको भी ये चेयर कवर्स पसंद आ रहे हैं इनको लेने के लिए, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक एड कर दूंगी, वहां से आप इनको परचेज कर सकते हैं। मैंने ये 1700 में लिए थे, उस टाइम कोई डील चल रही थी, मे बी कुछ 2500 के आसपास के थे, पर लेकिन मुझे 1700 में मिले थे। ये 6 पेयर है, 1 2 3 4 5 6 है ये पूरे टोटल। तो ये मेरे चेयर कवर्स क्या करते हैं, ये चेयर्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। आपको हर रोज डस्टिंग करने की जरूरत नहीं होती इन चेयर्स के ऊपर, कोई भी इनके ऊपर धूल नहीं जमती। आप इनको इजिली उतार कर और वॉश कर सकते हैं, ये इजिली रिमूवेबल है और इनका जो मटेरियल है बहुत फ्लेक्सीबल है, ये किसी भी चेयर के ऊपर इजिली पूरा आ सकता है। तो ये देखिए, यहाँ पर कंप्लीट होता है मेरा डाइनिंग टेबल का पूरा लुक। अगर ये आपको लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आपको ये लुक अच्छे से दिखाती हूँ। लुक ऑफ माई डाइनिंग टेबल, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। सी यू इन अनदर वीडियो।